में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से नाता टूट गया और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश में सीए कानून लागू करने को जरूरत है और यह पूरे देश की मांग है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह यात्रा नहीं है, पार्टी तोड़ो यात्रा है, गठबंधन तोड़ो यात्रा है। बता दें कि आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान बेगूसराय में दिया है और गिरिराज सिंह ने पूरे देश में सीएए कानून लागू करने को जरूरत बताते हुए कहा कि खास करके बंगाल में रोहिंग्या में मुसलमान की ज्यादा संख्या है और इसलिए वहां की सरकार के कलेजे पर चढ़ करके इसे लागू किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा कि यह उनका तफरी यात्रा है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून, भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम, बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा, और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है एनआरसी, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे, और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला।